In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Kohram. Dosto movie Kohram, जो रिलीज हुई थी 13 अगस्त 1999 को 13 अगस्त 1999 को, ये एक बॉलीवुड एक्शन मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं मेहुल कुमार, इसके प्रोड्यूसर हैं महानायक अमिताभ बच्चन और इसके राइटर हैं इकबाल दुरानी। अब बात करते हैं कास्ट की। फिल्म के अंदर महानायक अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, तब्बू, जया प्रदा, जैकी श्रॉफ, डैनी डेंगसोंगपा, उसके अलावा मुकेश ऋषि, अवतार गिल, आयशा जुल्का, कबीर बेदी और मुकुल देव, ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब बात करते हैं डायरेक्ट कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 8 करोड़ 97 लाख रुपए का, 8 करोड़ 97 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 15 करोड़ 28 लाख रुपए का, 15 करोड़ 28 लाख का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 82 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 16 करोड़ 10 लाख, 16 करोड़ 10 लाख का। रही बात बजट, तो फिल्म का बजट था 11 करोड़ का। अब 11 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 8 करोड़ 97 लाख का, यानी कि नेट कलेक्शन बजट से कम था। नेट कलेक्शन बजट को रिकवर नहीं कर पाया, फिल्म को लॉस हुआ और लॉस की वजह से फिल्म को सामना करना पड़ा फ्लॉप का, यानी कि फिल्म को हराम, इसकी जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड वो है फ्लॉप की। रही बात गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 8 गाने थे। गानों को कंपोज किया था दिलीप सेन और समीर सेन की जोड़ी ने और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे देव कोहली और आनंद बख्शी जी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।